जमील अहमद, ये संचार टाइम क्राइम न्यूज और प्राइम न्यूज इंडिया है। दिन के खात्मे पर दिन भर के हालात का जायजा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज तारीख 19 दिसंबर 2020। आइए आज की अहम खबरें ये हैं। किसानों का आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। हुकूमत अभी तक इन पर कोई रवैया या उनसे बातचीत कर मसले को हल करने की कोशिश में नाकाम हो चुकी है। किसानों का मानना है जो 3 कृषि कानून है, जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज की दूसरी खबर ये है कि बेलगाम पंचायती इलेक्शन का जो 22 तारीख को वोटिंग होनी है, कल से प्रचार खत्म हो जाएगा। लोगों में काफी उत्साह है पंचायती इलेक्शन को लेकर। इसी तरह बेलगामी जिले के गांव पंत बाड़ी कुंदरी के एक नौजवान अजय ऐजाज जुबेर अहमद पठान, जो वार्ड नंबर 1 और सीरियल नंबर 6 उनका निशान है, कप और सासर वो खड़े हुए हैं इस पंचायती इलेक्शन में। उनका मकसद सिर्फ यही है कि इस पंत बाड़ी कुंदरी गांव और गांव के लोगों की तरक्की हो, सेहत हो, एजुकेशन हो, और जो स्कूलें वगैरह जो काफी सहूलत के हिसाब से नहीं है, उसको अच्छी सहूलत की तरफ बनाया जाए। 24/7 का हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि लोगों को सेहत के लिए कोई दुश्वारी न हो। आइए पंत बाड़ी कुंदरी से एक रिपोर्ट। मैं जमील अहमद, संचार टाइम क्राइम न्यूज और प्राइम न्यूज इंडिया के खास बुलेटिन में आज हम यहां पर पंत बाड़ी कुंदरी में मौजूद हैं, जो इलेक्शन यहां पर पंचायती इलेक्शन चल रहा है। हमारे कैंडिडेट जनाब ऐजाज जुबेर पठान साहब यहां पर पहली दफ़ा खड़े हुए हैं। उनका मकसद जो है इस गांव की तरक्की के लिए काम करना, क्योंकि इन्होंने देखा यहां पर काफ़ी सारे ज़रूरतें हैं जो लोगों के लिए है, जैसा हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, और गटर और सड़कें और पाक पानी है, और जिम का, जो बच्चे आजकल मोबाइल में मुब्तिला होकर अपनी सेहत को गंवा रहे हैं इस सिलसिले में, और किसानों के लिए खेतों में से मार्ग यानी उनके रास्तों की ज़रूरत है, उनकी सोच को लेकर भी, और जो बच्चे बच्चियां हैं खासकर एजुकेशन के लेवल में, उनकी फिक्र को लेकर और गांव की तरक्की को लेकर इन्होंने अपना दिल में इरादा रखा है। क्योंकि एक नौजवान कैंडिडेट है, इस नौजवानी में उन्होंने ये सोच कर काम करने का जो अहद लिया है, जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया कि आप खड़े होकर ये काम कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम उनसे पूछेंगे, आप जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इसका मकसद क्या है, क्या काम करना चाहते हैं आप गाँव के? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मकसद ये है कि गांव में कुछ अच्छे से अच्छे काम करना और नई सोच के साथ नया काम करना। फर्स्ट ये है कि गांव में हॉस्पिटल नहीं है, 24/7 हॉस्पिटल करना। क्यों बोले तो कुछ भी रात को अगर कुछ भी हुआ तो इधर जाके दिखाने के लिए किसको हॉस्पिटल नहीं है, तो वो बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे गांव में, तो वो करना। और दूसरा है हमारे गांव में एजुकेशन के लिए कैसा है कि कन्नड़ा हो, मराठी हो और उर्दू हो, तो थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तो वो अच्छे से अच्छे एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट करना, वो है। और तीसरा जो है हमारे के लिए नौजवानों के लिए जिम खाना और खोलना है। क्यों बोले तो अभी नौजवान लड़के लोग सब पबजी वो जो मोबाइल में उसमें टाइम पास कर रहे हैं, तो मेरा इरादा है कि नौजवान लड़के लोग जो है जिम में वो वक्त जो है जिम में बिताए, कि हम खोल के देने के बाद में जिम में बिताना करके मेरा इरादा है इंशाल्लाह। और चौथी जो बात है तो क्लीन जो है गटर है, उसके बाद में रास्ते, गटर क्लीन होने से सेहत अच्छी होती है, क्योंकि तो उसमें गंदगी से हमारी सेहत खराब हो रही है, तो वो सेहत के लिए जो गटर जो साफ़ करना है वो बहुत ज़रूरी है। और पानी, पाक पानी और करना वो बहुत ज़रूरी है, अभी करेंगे इंशाल्लाह। और पांचवा जो है रईतों के लिए, किसानों के लिए मारक करना, क्यों तो रास्ता जाने के लिए बारिश में बहुत तकलीफ होती है, वो भी करने का इरादा है इंशाल्लाह करेंगे। तो मेरा सबके पास ये है कि अपील है कि मेरे को वोट डाल के चुन के लिए कहीं जिताइए, तो मैं आपके साथ एक विनती करता हूँ कि आगे चल के इंशाल्लाह मैं ये सब करके दिखाऊँगा। ना ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುವರಿಗೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಬಸ್ ದೇಖೆಂಗೆ
का भी इरादा है और हमारे उर्दू स्कूल के लिए 7th से 8th से 10th तक स्कूल भी नहीं है, वो भी करने का इरादा है, इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत आपके लिए ख्याल आते हैं, आप जीतने के बाद ये वादा आपने किया है लोगों से पूरा करने का, क्या आप जीतने के बाद ये वादा पूरा करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लोगों से क्या अपील कर, आपको कीमती वोट लोगों का, आप लोग सब लोग कीमती वोट दे के हम मेरे को जिता के ले गए, उतना ही मेरे रिक्वेस्ट है आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल पठान साहब जो कैंडिडेट के भाई है, जो कैंडिडेट ने वादा किया, क्या आप पूरे कैंडिडेट के साथ हैं? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಐಜಾಜ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ಗಟರ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ 100% ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಹಜರಾತ್ ಜೋ ಜೋ ಐಜಾಜ್ ಪಠಾಣ್ ವಾದೆ ಕಿಯೆ ಹೈ, ಜೈಸೆ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಜೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಜೋ ಬತಾಯಾ ಹೈ, ಆಜ್ ಕಲ್ ಆಪ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಕೈಸಿ ಕೈಸಿ ಬಿಮಾರಿಯಾಂ ಆ ರಹೀ ಹೈ और उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे इमरजेंसी एक हॉस्पिटल 24/7 की ज़रूरत है, उसको वो पूरा करने का एक निश्चय ये है. जिम खाने का उन्होंने वादा किया है, गटर रास्ते का वादा किया है, पानी का वादा किया है और किसानों के लिए एक रोड का वादा किया है. उस सारे उन्होंने जो भी अपने बातों में किए हैं उसको पूरा करेंगे, इसलिए उनका आपका अच्छा एक देखे जिता के लाने की एक गुजारिश है. कैमरामैन नाजिश अहमद के साथ मैं जमील अहमद. तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए संचार टाइम क्राइम न्यूज और प्राइम न्यूज इंडिया. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए. जय हिंद.